हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सहेल अहमद, आप देख रहे हैं भाई गोला पिजन टीवी। आज भाई आए हैं दीशान भाई की छत में आए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से इनके कबूतर आप देख सकते हैं, अभी कुछ कबूतर झाड़ से पाक हुए हैं और कुछ कबूतर अभी भी झाड़ में, तो तावे वगैरह लग रहे हैं, सेटिंग बना रहे हैं कबूतरों की। अभी प्रॉपर तरीके से लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हो रही हैं अभी, तो इंशाल्लाह इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट होंगी, तो वो भी उनकी भी आपको वीडियो बना के दिखाएँगे। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे माशाल्लाह कबूतर हैं, रंगीन कबूतर रखे हुए हैं सारे इन्होंने। कौन से हैं? घाघरे, लाल बन घाघरे ज़्यादातर इनके पास हैं, शेराजी वगैरह भी हैं। तो ये आप देखें भाई कबूतर इनके माशाल्लाह। अभी ये तावे देके सेट कर रहे हैं कबूतरों को, और हमारी जो है सीढ़ी पे नहीं उठेंगे। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें भाई एक सीढ़ी पे उठ रहे हैं भाई सारे कबूतर, देखें क्या बात है, ज़बरदस्त। जब साइड में सीढ़ी मारेंगे तो एक भी कबूतर नहीं देखे। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ट्रेंड किया हुआ है इन्होंने कबूतरों को। ये देखें भाई दोबारा उड़ गए माशाल्लाह, तावे बहुत अच्छे ले रहे हैं कबूतर, बहुत वीआईपी चल रहे हैं। ये आपके सामने ये देखें भाई माशाल्लाह, क्या बात है, बेहतरीन। कितने कबूतर हैं भाई? 80 कबूतर हैं माशाल्लाह इनके पास, जो कि उड़ रहे हैं अभी। तो यही आप मतलब जो सीज़न आएगा तो उड़ाएंगे या बढ़ाएंगे अभी कबूतर? तो देख रहे हैं सर, जैसे अगर कबूतर मिल गए तो इंशाल्लाह इसमें बढ़ाएंगे। अच्छा 20-25 कबूतर उड़ाने का इरादा है। अच्छा क्या कहना है, मतलब कितने कबूतर बढ़ाने का इरादा? तकरीबन 120 का है इरादा। अच्छा 150 कबूतर उड़ाएंगे माशाल्लाह, सही इस सीज़न में। अभी कबूतर ढूंढ रहे हैं, मैं मिले नहीं हैं कबूतर। अच्छा कब से यहाँ पे रखे हुए हैं आपने ये कबूतर? तकरीबन 8-9 महीने हो गए सर यहाँ पर। 8-9 महीने, सही सही। पहली झाड़ इन्होंने, पहली झाड़ यहाँ पे खाई है, सही। ये देखें भाई 8-9 महीने हुए हैं इनको रखे हुए यहाँ पे, माशाल्लाह पिछले साल रखे थे इन्होंने। अच्छा ये दौड़ाते भी हैं भाई कबूतरों को, दौड़ाते भी हैं लड़ाते भी हैं दोनों, सारे काम करते हैं सर। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा नाम अल्लाह का सर, हमारी कोई ताकत नहीं, अल्लाह ही करवाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और ज़ीशान भाई एक जाना माना नाम है गोला कबूतरों के अंदर, ये आप देखें भाई। आता नहीं, जाता नहीं। अच्छा नया कबूतर आता जाता नहीं, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें एक ही सीटी पे सारे कबूतर उड़े, ना छपका दिखाया, ना डंडा हिलाया, ना झंडी हिलाई, बस तावे खा के खुद ही आके उतरेंगे माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन कबूतर चल रहे हैं इनके भाई, अच्छे कबूतर हैं। लड़ाइयों की मज़ा आएगी, लड़ाइयाँ देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा इनके, जब लड़ाइयाँ होंगी तो। ये देखें भाई कबूतर बेहतरीन, क्या बात है, ऊपर हो गए भाई कबूतर इनके माशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये भी प्रॉपर तरीके से पाक भी नहीं हुए, और कबूतर देखें कैसे चल रहे हैं, तावे पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा अपनी मर्ज़ी से उड़ रहे हैं भाई, तावे वावे कुछ भी नहीं है। ये देखें भाई ये आमद देखें कबूतरों की, बेहतरीन ज़बरदस्त ही लगा लिया अपने, सेट हो गए सब उड़ने वगैरह, अभी टच नहीं हुए। सही सही, अच्छा सही। ये देखें भाई माशाल्लाह, भाई ज़्यादातर इन्होंने नर रखे हुए हैं, मादियाँ 2 से 3 हैं बस, सही 80 कबूतरों में माशाल्लाह। अच्छा नर और मादी का क्या मतलब रखने का होता है, उड़ान में कोई मसला होता है? मसला इतना नहीं होता, बस ये शौक के ऊपर बात होती है सर। अच्छा हमने जो टोली खरीदी थी उसमें ये मादियाँ ही 2-3 थी, और वही हैं। सही सही, वही रखी हैं जी, वही कबूतर हैं। ठीक है, हाँ ये कि मादियों के पीछे फिर नर लग जाते हैं वो। पहले जो कबूतरबाज होते थे वो तो तकरीबन सब मिक्स ही रखते थे, मिक्स रखते थे। आजकल एक फैशन चल गया है कि नर सारे होने चाहिए, कोई मादियों को उड़ाता है। सही, सही। सारी मादियाँ भी कोई रखता है अलग से। सही, बाकी मादी भी बुरी नहीं है, मादी नर से अच्छा उड़ती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अच्छा उड़ती है।
थोड़ा तो नर नर भी लगा लेते हैं साथ ये बात तो है सही माशाल्लाह। करबलाई भी है, करबलाई भी है, करबलाई हाँ ये भी उतरा हुआ था। इराक की ब्रीड है हाँ, करबला इराक की। तो आम हो गया, आम हो गई है हाँ, लेकिन है थोड़ी महंगी है। इतनी महंगी नहीं है, आप तो ऐसे ही है। कितने की मिल रही है? 1000 रुपये का भी मिल जाएगा मार्केट में सर। अच्छा, मगर जो लड़ता हुआ कबूतर होता है उसके बस उसी वजह से पैसे बढ़ जाते हैं। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई आपको कबूतर दिखाएं माशाल्लाह, जब ये लड़ेंगे अगले अभी सीज़न जैसे ही आएगा तो उसके बाद भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। और इनके जो कबूतर जो उड़ा रहे हैं ईशान भाई, उनसे भी इंटरव्यू लेके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।